आधा वर्ष मऊलाई से मैं न्याल हसन अपने सहयोगी आवेश के साथ ज्ञान से मिलेगी पहचान के संदेश को लेकर हम आप पहुँचे हमीपुरा चट्टी में। हमीपुरा चट्टी पर परदेसी चूस वाले के पास, जो कि यह दुकान शाम को 4 बजे से पर दिन रात को 12 बजे तक खुलती है और ये लगभग 1000 गिलास जूस बेच डालते हैं। और ये फेमस चेहरा दिखाते हैं आपको, भाई यही हैं। और ये मेनू देख लीजिए, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। जी आपका नाम? आफ्ताब आलम। आफ्ताब सर क्या करते हैं आप? मेरी दुकान है ठंडे जूस आइसक्रीम की। आइसक्रीम की, और इनकी भी जूस की दुकान है। तो इनकी जूस में क्या क्वालिटी है आफ्ताब जी, जो इतनी भीड़ खींची चली आ रही है? क्वालिटी है तभी तो भीड़ खींचती आ रही है। तो कुछ क्वालिटी आप बताएंगे ना? क्वालिटी में सारा सामान, फल, मतलब जैसे कि हाँ आप बताएँ। कोल्ड ड्रिंक वोल्डिंग से ज़्यादा नुकसान होता है जी। अब लोग स्वदेशी पे आ गए तो स्वदेशी में हर फल का जूस पीते हैं लोग, इससे अच्छा फायदा है, सेहत भी बनती है और क्वालिटी है तभी लोग आते हैं। अच्छा, पूरे मऊ के आसपास के लोग टूट पड़ रहे हैं जैसे ये भीड़ दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मऊ के शायद मोहल्ले का कोई ऐसा जवान ना हो जो इस दुकान पर ना आया हो। हाँ। पूरे मऊ जिले में इतना जूस बेचने वाला कोई है नहीं। हाँ, एक दिन में 1000 गिलास बेच देते हैं हम। अरे नहीं, कम से कम 3-4 हज़ार गिलास बेचते हैं। 1000 गिलास क्या आप देखते रहिए ना यहाँ पे। हाँ तो मैं तो देखिए, मैं शाम को 4 बजे से देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए अब 4 बजे से 12-1 बजे 2 बजे तक दुकान ऐसे ही भीड़ रहती है। भीड़ रहती है, इनकी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो गिलास में देते हैं लोग, 10 रुपये में गिलास में देते हैं, ये 10 रुपये में मग में देते हैं। मग में लेने का मतलब कि 1 गिलास के बजाय 2 गिलास हो जाता है, ये भी फायदा है। और आपका सबसे ज़्यादा है यहाँ जूस बिकने वाला पुदीना चीनी और लेमू वाला है। लेमन सबसे ज़्यादा बिकता है? सबसे ज़्यादा लेमन बिकता है। और ये शहर के आउटर में एकदम किनारे है फिर भी भीड़ खींची चली जा रही है, इसकी बात क्या है? इनकी क्वालिटी, इनका अच्छा माल है, सब कुछ अच्छा देते हैं, अच्छा बनाते हैं, विदेश से सीख के आए हैं। अच्छा, विदेशी जूस। हाँ। परदेसी जूस दिया गया। अच्छा, परदेसी जूस इसलिए नाम पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से सीख के आए बना रहे हैं। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? फैजुल हसन। और परदेसी के नाम से शायद फेमस हैं आप? जी जी, परदेसी जी जूस वाले जी। क्या क्वालिटी आप देते हैं जी? पूरा मऊ हिल चुका है और यहाँ तक कि आसपास मऊ में नाम है। यही हमारे वहाँ सब फ्रेश जूस मिलता है। फ्रेश जूस मिलता है? हाँ, आपकी आँखों के सामने बना के मिलेगा जी, जी। तो कौन कौन सा जूस है? सभी अवेलेबल है, जूस में सभी अवेलेबल है। जैसे प्राइस क्या है और कौन कौन, जैसे जो हमारा आप यहाँ से जूस मेरे यहाँ जाता है जी, जी। लेमन वाला जाता है पुदीने का जी, जी। उसकी प्राइस क्या है और उसमें क्वालिटी कैसे बनाते हैं आप जी? उसका उसकी प्राइस है 15 रुपया। अच्छा, एक गिलास का मतलब हमारे वहाँ 1.5 गिलास दिया जाता है। 1.5 गिलास जी जी, मतलब यही क्वालिटी है। औरों के यहाँ 1 गिलास और आपके यहाँ 1.5 गिलास जी जी जी। और कौन सा जूस है? केले का है, केला स्पेशल है, अनन्नास का है, माल्टा का है, सभी है। सभी का है? सभी है। अच्छा, एक दिन में कितने गिलास सेल कर देते होंगे आप जहाँ तक? ये तो अभी हम लोग आंकड़ा नहीं लगाए कभी। नहीं, फिर भी तो अंदेशा होगा ना कितने गिलास सेल हो जाती होगी? अरे भाई 500-600 गिलास 700 गिलास हो जाए। मतलब 1000 मान के चलते हैं? 1000 मान के चलिए। चलिए अल्लाह करे हज चलती रहे। जैसे कि लोग आते हैं तो दूर दूर से आते होंगे, तो कहाँ कहाँ से लोग आते होंगे उसको आइडिया होगा ना आपको? अरे ये तो हमारे ज़िले भर के आते हैं, कोपा मऊ घोसी अदरी सभी लोग सभी जगह से आते हैं हमारे। मतलब 100 रुपये का तेल जला के
परदेसी जूस पीने आते हैं, क्योंकि ब्रांड है ना, स्पेशल है, फ्रेश जूस है ना। वही तो कह रहा हूँ, ब्रांड की बातें कुछ अलग होती है, टेस्ट वही चाहिए है। कहीं अल्फाम तो सब जगह मिलता है, लेकिन अल्फाम का जो टेस्ट है वो नहीं मिला। उसी तरह जूस तो हर जगह मिलेगा, लेकिन परदेसी जूस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। ये हमारी जो मिलाप सही है, आपका 3.5 मिलाप तकरीबन।